बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन जब करेंगे, एक होता है वेरी शॉर्ट मेथड, एक होता है मीडियम और एक होता है लॉन्ग। ये मीडियम और लॉन्ग में कैलकुलस यूज होगा और शॉर्ट मेथड में विदाउट कैलकुलस। बताएंगे वेरी शॉर्ट मेथड में सॉल्व कर, कौन सा मेथड में सॉल्व करें? वेरी शॉर्ट मेथड। यहां पे डायमेंशन का यूज करेंगे, डायमेंशन देखो तुरंत हो जाएंगे। अभी हम तुम लोग को बोला था पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू क्या होता है बेटा? पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू क्या होता है बोलिए? वेलोसिटी होती, डायमेंशन ही प्रूव हो जाए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, होता है कि नहीं? फोर्स का डायमेंशन होता है कि नहीं? और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो अभी देखो क्या दिया था, कांस्टेंट पावर, तो पावर तो कांस्टेंट हुआ। यहां पे वो सब चीज लेके आना कि जो भी कांस्टेंट हो। ओके okay? तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री, ये चीज हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री। पावर जो है, पावर क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, एक कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट गिवेन है और मास तो वालो इस कांस्टेंट होता है, मास मास तो वालो इस कांस्टेंट होता है। देयरफॉर वी कैन राइट एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री इज, इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तभी भी कांस्टेंट ही होगा। इज इट क्लियर? ए भी कॉन्स्टेंट, ए भी कॉन्स्टेंट, तो एल स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इस जगह पे हम लोग देखे हैं एल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टी टू दी पावर थ्री नीचे आ गया, माइनस थ्री, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट टी टू दी पावर थ्री। ओके टी टू दी पावर थ्री, तो एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टी टू दी पावर थ्री बाई टू है ना, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या पूछा था? डिस्प्लेसमेंट, एल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू दी पावर थ्री बाई टू, तो दैट मीन्स टी टू दी पावर थ्री बाई टू। ओके इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो एकदम डायरेक्ट जो है ना, यहां से ही डायरेक्ट हो जाता है। ओके यहां से ही डायरेक्ट हो जाता है, इसी से एकदम सीधे कॉन्स्टेंट है, तो टी क्यूब इज डायरेक्टली, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ओके एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर थ्री बाई टू। ओके डायरेक्ट हो जाएंगे, तो इसे बड़ा करके किया, ये होगा विदाउट कैलकुलस। क्या मीडियम मेथड में करें, क्या लॉन्ग मेथड में करें? हाँ पहला क्वेश्चन में भी होगा। अच्छा इस मेथड में अभी नहीं करें, अच्छा ठीक है ओके गुड। तो इसका पिक सेंड कर देता हूँ, नोट कर लेना।